आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन यूट्यूबर्स के लिए जिनका अभी स्टार्टअप है या वो अभी तक 3 से 4 महीने वर्किंग कर चुके हैं पर उनको अपने रिजल्ट हासिल नहीं हो रहा और एक जो खतरनाक टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम का वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको पूरा कर सकते हैं और अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मयूर खान है और आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन नए यूट्यूबर्स के लिए जिनके अभी तक 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे नहीं हो सके हैं और वो अभी तक 4-5 महीना लगा चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं आके दे रहा। आपको मार्केट में और फेसबुक पे बहुत सारे एड देखने को मिलते हैं जिसमें ये होता है कि आप हमसे वॉच टाइम और सब्सक्राइबर ले लें, लेकिन मैक्सिमम जब होता ये है कि आप जब उनके सर्विस को क्या करते हैं परचेज कर लेते हैं, उनको पैसे सेंड कर देते हैं तो उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं और आपका काम भी अधूरा रह जाता है और आपका अमाउंट भी जाया हो जाता है। मेरे सर्कल में भी काफी लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि उन्होंने एडवांस पेमेंट कर दिया और उसके बाद सामने वाले ने उनको ब्लॉक कर दिया और उनका काम भी नहीं हुआ और उनके पैसे भी जाया हो गए। आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ इससे आप अपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं और ये दोनों चीजें ऑर्गेनिक होंगी। लेकिन आप लोग जैसे पेड सर्विस से कराते हैं तो उसमें होता क्या है कि वो इनऑर्गेनिक तरीके से आपको वॉच टाइम कवर करते हैं जो कुछ टाइम बाद जाकर ड्रॉप हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूट्यूब की नई पॉलिसी आ चुकी है जिसमें वॉच टाइम जो है अब 7 दिन बाद अपडेट हो रहा है। अगर आप लोग कहीं से पेड सर्विस ले भी लेते हैं तो ये चांसेस बहुत ज्यादा है वो अपडेट होने से पहले ही ड्रॉप हो जाए। तो अगर आप लोग इस तरह से कहीं पैसे फंसा देते हैं तो यकीनन आपके पैसे जाया होने वाले हैं। इससे कहीं बेहतर ये है कि आप ये तरीका सीख के आप खुद इन्वेस्टमेंट करके अपना वॉच टाइम और सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। आपने किसी को पेमेंट नहीं करनी, आप अपने हिसाब से इजीली जितना अमाउंट हो सके आप लगा के ये सारी चीजें कर सकते हैं। और इन दोनों में आपको फर्क भी बता दूं, जब आप किसी से वॉच टाइम जो है खरीदते हैं या फिर सब्सक्राइबर खरीदते हैं तो वो इनऑर्गेनिक तरीके से आपको वॉच टाइम कंप्लीट करके देते हैं और आपके जो सब्सक्राइबर भी होते हैं वो एक्टिव नहीं होते, मतलब वो सिर्फ नंबर शो कराने के लिए तो सही है लेकिन वो आपकी ना वीडियोस को देखते हैं ना लाइक करते हैं ना कुछ करते हैं। ठीक है, इसी तरह वॉच टाइम भी मैंने आपको बताया कि वो भी इनऑर्गेनिक तरीके से करते हैं और वो भी 3 से 4 दिन में 2 दिन में ड्रॉप हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूं इस तरीके से आपके जो सब्सक्राइबर है वो आपके ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर आएंगे जो आपकी वीडियो में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, और इसी तरह वॉच टाइम भी जो आपके पास इस तरीके से आएगा वो भी ऑर्गेनिक होगा जो आपका लाइफ टाइम स्टेबल रहेगा। तो इस वीडियो में मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ वो तरीका है गूगल एडसेंस। हम करेंगे क्या कि हम अपनी वीडियोस को जो अच्छी वीडियोस हैं जिस पे आपको लगता है कि ट्रैफिक आ सकता है और आपकी बहुत वैल्यूएबल वीडियो है हम उसको क्या करेंगे गूगल एड के थ्रू उस पे एड चलाएंगे। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि यूट्यूब आपकी वीडियोस को खुद ही क्या करेगा लोगों के सामने शो करेगा और इस पे व्यूज और वॉच टाइम लेकर आएगा। ये तरीका उस तरीके से बहुत ज्यादा बेहतर है जहां किसी को पैसे देके काम करवाते हैं और वहां से आपको रिजल्ट 0 मिलता है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से पैसे खुद लगा के अपना काम करवा सकते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि आप अपनी YouTube वीडियोस को किस तरह Google Ads के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं और उससे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम गेन कर सकते हैं। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। आपके पास जो ब्राउजर हो आप उसको ओपन करें और आपने सबसे पहले क्या करना है उसके अंदर आपने अपनी जीमेल आईडी को है लॉगिन कर देना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद सिंपली आपने सर्च बार में लिखना है गूगल एड। देखिए गूगल एड आपको टाइप करते ही इंटर करने के बाद आपके पास ये वेबसाइट हमारे पास सबसे सामने आ जाएगी। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड है गूगल की तरफ से। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करनी है। अभी देखिए हमारे क्या है ये वाला इंटरफेस आ चुका है। आपने सिंपली क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन है तो आपको क्या है क्रिएट करने की जरूरत है, सिंपली क्या करना है स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए हमारे पास क्या है ये इंटरफेस आ चुका है। अब देखिए इस पर आपने करने के यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं कि आप किस हवाले से ऐड चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है आपने ये वाला ऑप्शन हमें क्या करना है हमें यूट्यूब के हवाले से उसको पेज को प्रमोट करना है, वॉच टाइम चाहिए सब्सक्राइबर चाहिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे क्रिएट आ कैंपेन विदाउट अ गोल गार्डियंस। ठीक है, इस पर क्लिक करी, इसके बाद इसने कंटिन्यू का ऑप्शन दे दिया। इसके बाद देखिए हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है कैंपेन टाइप डिसाइड करनी है हमें क्या है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या है यूट्यूब की वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं तो हम सिंपली इस पर वीडियो को क्या करेंगे प्रमोट करेंगे। और देखिए उसके बाद हमें वीडियोस पे व्यूज चाहिए। ठीक है, व्यूज आएंगे तो हमारे पास क्या है सब्सक्राइबर भी आएंगे। ठीक है, तो मैंने इसको क्या करा वीडियो पे टिक करके कंटिन्यू कर दिया। अब देखें क्या है ये हमारे एक डैशबोर्ड खुल चुका है। ये देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन हुआ हुआ है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है कैंपेन नेम दे रहा है। ठीक है, आप कैंपेन नेम कुछ भी लिख सकते हैं, आप जैसे जिस डेट को आप कैंपेन लगा रहे हैं और जिस हवाले से लगा रहे हैं वो लिख सकते हैं। अब जैसे ये हमारी वीडियो व्यू की है कैंपेन है 23 तारीख की है, इसमें मैं और याद दिहाने के मैं लिख देता हूँ यूट्यूब। ठीक है, ताकि मुझे याद रहे, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके बाद देखिए नीचे आएंगे तो बिड स्ट्रैटेजी क्या है हम इसको खोलते हैं लेकिन ये अभी ऑप्शन नहीं दे रहा हमें। ठीक है, हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। इसके बाद हमारे पास देखिए बजट एंड डेट। ठीक है, बजट एंड डेट में हम क्या डालेंगे, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो है डेली
डेली का आप इसको बजट दे रहे हैं इतना 200 300 400 रुपए, ठीक है, या फिर कैंपेन टोटल बजट। अगर मैं आपको कैंपेन टोटल बजट दिखाता हूँ, डेली पे हम नहीं जाएंगे, आप अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे कर सकते हैं। अब मैं इसको दे देता हूँ 1000 रुपए, ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग डेट देखिए आज से 23 जनवरी 2024 से, ये पूरा एक दिन जो काउंट करता है वो 24 घंटे का होता है। अगर मैं आज 3 बजे ऐड चलाता हूँ तो कल 3 बजे तक 24 घंटे हमारे काउंट होंगे, ठीक है। तो ये दे रहा है, मैं देखिए टू वीक का नहीं, मैं सिलेक्ट डेट कर देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये 23 से लेके 25 तक चले, ठीक है। तो ये देखिए इसने हमें बता दिया 1000 रुपये जो है हमारे टोटल अमाउंट, हमारा पर डे का हमारा इतना बजट इस पर लगेगा 3 डे का। और ये देखिए हमें साइड में बता रहे हैं कि इतने अमाउंट में इतने लोगों तक इंप्रेशन जाएंगे 900 मिलियन प्लस, ठीक है। लेकिन हम इसको अभी और क्या करेंगे, और टारगेट करेंगे। अब देखिए इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ गया नेटवर्क, नेटवर्क को ओपन करना है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है यूट्यूब, यूट्यूब पे तो हमें करना ही है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, अनक्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है गूगल पार्टनर, गूगल के जो बहुत सारे पार्टनर वेबसाइट वगैरह, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप उन पर भी अपना वीडियोज वगैरह चलाना चाह रहे हैं, तो हमें वहाँ पे वीडियोज नहीं चलानी, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, अनटिक कर देंगे। अनटिक करने के बाद हमने इसको वापसी क्या कर दिया। अब देखिए ये आपसे लोकेशन पूछ रहा है, आप चाहे तो पाकिस्तान डाल सकते हैं अगर आप पाकिस्तान को टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, या चाहे तो कोई और कंट्री भी डाल सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी ऐड हो जाएंगे, और चाहे तो आप किसी सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं इंटर अनदर लोकेशन करके, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लोकेशन दे दी पाकिस्तान की। अब देखिए आपने यहाँ पे लैंग्वेज का दे रहा है, अब आपने क्या करना है, आपकी वीडियो की जो लैंग्वेज है आपने उन ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है, ताकि आपकी वीडियोज़ को वो देखें। तो आपने यहाँ पे लिख दिया उर्दू, और आप यहाँ पे हिंदी भी लिख सकते हैं क्योंकि हिंदी और उर्दू तकरीबन सिमिलर ही है। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने लैंग्वेज वगैरह ऐड करी तो हमारे यहाँ इंप्रेशन देखें 120 मिलियन तक आ चुके हैं। इसके बाद देखिए ऑप्शन दे रहा है हमें रिलेटेड वीडियो का, इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देगा, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखिए हमें दे रहा है मल्टी फॉर्मेट ऐड, तो इसको भी आपने क्या करना है, अनक्लिक कर देना है, हमें इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसके नीचे हम आते हैं तो हमें यहाँ पे एडिशनल सेटिंग दे रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें दे रहा है डिवाइस, वो डिवाइस कौन कौन सी होनी चाहिए, हमें क्या करना है सेट स्पेसिफिक टारगेट डिवाइस पे जाना है, और इस पे देखिए हमें क्या क्या रखना है, टिक करना है। देखिए हमें क्या करना है, हमें तो सब्सक्राइबर और क्या है वॉच टाइम हमें किसी तरह कवर करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये टीवी स्क्रीन को हटा देंगे, ठीक है, टीवी स्क्रीन, हम कंप्यूटर को भी हटा देंगे क्योंकि अब बहुत कम होता है कि लोग कंप्यूटर पे वीडियोस वगैरह देखते हैं, हमारा मेन टारगेट जो है मोबाइल है और टैबलेट वगैरह है, ठीक है। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, इसके नीचे वाली जो चीज़ है इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है, इसको आपने क्या करा, क्लोज करा। उसके बाद देखिए आप सारी चीज़ों को ऐसी रहने देंगे, फ्रीक्वेंसी को भी, ऐड शेड्यूल को भी, और थर्ड पार्टी मेजरमेंट को भी आप ऐसी रहने देगा। इसके बाद देखिए हमारे पास आ गया क्रिएट योर ऐड ग्रुप, ठीक है, ऐड ग्रुप में भी आप चाहे तो इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं ताकि आपको याद दिहानी के लिए, या इसको आप ऐसी रहने दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, आप देखिए ये क्या बोल रहे हैं हमसे, हु यू वॉन्ट टू रीच, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लोगों को टारगेट करना है ताकि आपका ऐड जो है उन्हीं लोगों तक जाए जिनको आप टारगेट करना चाह रहे हैं और जो आपकी वीडियो से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, डेमोग्राफी में जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपके क्या हो, मेल हो, फीमेल हो, ठीक है, अन्नाओं का हटा दिया। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी एज को भी टारगेट कर सकूँ, और मैं चाह रहा हूँ मेरे जो वीडियो देखें वो सिर्फ इस उम्र तक के देखें, 25 से लेके 44 ईयर तक के लोग क्या है मेरे, क्या है इसको देखें, ठीक। पेरेंशियल स्टेटस भी दे रहा है, तो आप यहाँ पे भी इसको टारगेट कर सकते हैं, आप नॉन पेरेंट्स, पेरेंट्स, अन जो चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है, अपनी वीडियो के टॉपिक के हिसाब से। ऑडियंस सेगमेंट को भी आप क्या करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे, इसमें भी आपने कुछ नहीं करना। आप देखिए इसके नीचे आ जाते हैं हम कीवर्ड, अगर आपके कोई कीवर्ड है, आपकी कोई वीडियो है उसके आप जो कीवर्ड आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो आपने क्या करना है वो यहाँ पे एंटर कर देना है कीवर्ड। इसके बाद जो आपकी वीडियो का टॉपिक है उसको आप यहाँ पे क्या कर देगा, एंटर कर देगा, या आप चाहे तो ब्राउज पे जाके भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी टॉपिक जो एंटर कर सकते हैं, आपका ब्यूटी है, बुक है, बिजनेस के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, तो आप यहाँ पे जाके भी पुट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है, इसमें मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। प्लेसमेंट में देखिए होता ही है कि आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक चैनल है जो किचन के हवाले से काम कर रहा है, कुकिंग के हवाले से काम कर रहा है, और आप क्या कर सकते हैं, आपका यकीनन कोई ना कोई कॉम्पिटिटर होगा, तो आपने क्या करा, उन कॉम्पिटिटर का लिंक जो है यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। अब YouTube करेगा क्या, जब भी कोई उस कॉम्पिटिटर की वीडियो सर्च करेगा तो आपकी वीडियो वहाँ पे टॉप पर आ रही होगी स्पॉन्सर्ड के वीडियो, स्पॉन्सर्ड के हवाले से, ठीक है। तो इससे चांसेस है कि जो बंदा, जो व्यूवर है वो सर्च कर रहा है, वो आपकी वीडियो को ओपन करे, और हो सकता है कि उसको आपकी वीडियो अच्छी लगे तो वो सब्सक्राइब भी करे। तो यहाँ पे आपके जितने भी चैनल हैं, आपके कॉम्पिटिटर वाले चैनल हैं, उनको आप क्या करेंगे, यहाँ पे लाके उसका URL पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और देखिए कम से कम आपने 14 से 15 चैनल को यहाँ पे पेस्ट करना है जो आपके कॉम्पिटिटर चैनल हैं, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है, प्लेसमेंट का मैंने आपको समझा दिया, ये एक इंपॉर्टेंट टूल है। अब देखिए ये हमसे उस वीडियो का लिंक मांग रहा है जो हमें क्या करना है, प्रमोट करनी है, जिसको हमें बूस्ट करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या आ जाता हूँ, मैं अपने चैनल से एक वीडियो का लिंक उठा लेता हूँ और मैं आपको
दिखा रहा हूँ किस तरह से आपने लगाना है। मैंने यहाँ से लिंक कॉपी करा और सिंपली मैंने इसको यहाँ लगे पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये यहाँ पर आ चुका है। अच्छा देखिए अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दे रहे हैं कि ऐड किस तरीके का होना चाहिए। ऐड देखिए स्किपेबल ऐड, इन स्ट्रीम ऐड या इन फीड वीडियो ऐड, ठीक है। तो आपने इसको हमेशा इन फीड ऐड पे रखना है। पहले वाले पे जब आप रखेंगे तो वीडियो, जब आप यूट्यूब के स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आपके पास एक या दो ऐड आते हैं, तो ये वाले ऐड होते हैं और ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू ये वाले ऐड। तो आपने हमेशा क्या करना है, ये वाले ऐड रखने की वो ऐड है जो वीडियो के बीच में आते हैं या सर्च कराने पर आते हैं, ठीक है। आपने इसको ऐसे रखना है। अब ये देखिए थंबनेल भी हमसे पूछ रहा है कि कौन सा थंबनेल होना चाहिए। इसने वीडियो में से खुद ऑटोमेटिक थंबनेल निकाल लिया है, ठीक है। और ये देखिए बता भी रहा है कि ये टैबलेट मोबाइल पे और किस तरीके से आएगा, ठीक है। ये देखें ये बता भी रहा है सर्च पे इस तरीके से आएगा और ऐसे इस तरह आएगा और मोबाइल पे ये इस तरीके से आएगा। आप क्या कर सकते हैं, इसकी हेडलाइन भी रख सकते हैं। अब जो आपकी वीडियो है, जैसे मेरी मिनी गोल्फ गेम की वीडियो थी, मैंने क्या करा हेडलाइन में इसका नाम रख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शो हो रहा है, प्रीव्यू भी हमें हाथ के हाथ करके दे रहा है। इसी तरह आप अपनी डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ गेमिंग चैनल, ठीक है, लिख देता हूँ। ये देखें यहाँ पर आ गया। इसी तरह चाहे तो डिस्क्रिप्शन टू भी डाल सकते हैं और इसी तरह चाहे तो आप ऐड का नाम भी दे सकते हैं जो इस तरह यहाँ पे शो करेगा। आप चाहे तो ना दे, ये देखिए ऐड क्रिएशन जो है इसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब ये देखिए हमारे यहाँ पे क्या आ गया, बिट आ गया। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यू कैन इंप्रूव योर कैंपेन पोटेंशियल रीच एंड परफॉर्मेंस बाय यूजिंग अ बिट ऑफ टू, ठीक है। अगर मैं दो डालूँ तो ये बोल रहा है कि मैं इनको दो रुपये दूंगा तो ये मेरा एक ऐड जो है किसी एक पर्सन तक लेके जाएगा। हमने जो अभी ऐड क्रिएट करा है वो हमने इस हवाले से करा है कि जब कोई पर्सन जो है हमारी वीडियो आके उसको व्यू करेगा तभी हमारे पैसे डिडक्ट होंगे। तो ये बोल रहा है कि कम से कम आप 2 रुपए की बिट दें हमें तो हम आपका ऐड जो है क्या है चलाएं। अगर मैं देखें 2 रुपए से कम डालता हूं, मैं 1 रुपए डाल देता हूं, तो ये देखें ये बोल रहा है कि भाई आपका ना बहुत लो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अगर 2 कर देता हूं और ये देखें हमें तकरीबन जो हमें बिट स्टार्ट करनी है वो हमें स्टार्ट करनी है 0.30 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। 0.30 इस तरह के अमाउंट से स्टार्ट करनी है ताकि क्या है हमारा कम से कम अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। ये देखिए वीडियो भी इसलिए हाई आ रही क्योंकि अभी हमने क्या करा है, अभी तक हमने ऊपर जो हमने प्लेसमेंट के अंदर हमने क्या है चैनल वगैरह की वीडियोस वगैरह चैनल वगैरह की URL ऐड नहीं करे अपने कॉम्पिटिटर के। तो मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने क्या करना है, कम से कम 14 से 15 जो आपके कॉम्पिटिटर चैनल हैं उनको आपने यहाँ पे ऐड करना है, उनके URL को ऐड करना है, ठीक है, ताकि आपकी ऑडियंस और ज़्यादा टारगेट हो सके, ठीक है। अभी भी देखिए हमारे पास 39 मिलियन इंप्रेशन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपने ज़रूर करना है ताकि हमारे क्या है बिट रेट जो है हमारा कम हो सके और हमारा ऐड कम से कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके, ठीक है। तो ये देखिए 2 रुपये का मतलब है 1000 रुपये में हमारा ऐड जो है वो तकरीबन 500 लोगों तक जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस रेट को कम करना है ताकि आपका 1000 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम व्यू आ सके, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि 0.30 फिर 0.40 से आपने रख के चेक करना है, लेकिन जब आप ऊपर की प्लेसमेंट सही कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये हमें यहाँ पे क्या है कम करने का दे देगा, ठीक है। तो ये सब करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, क्रिएट कैंपेन करना है और आपका ऐड जो है वो रन हो जाएगा। इसको देखिए जब हमने इसको क्रिएट कैंपेन करा तो इसने हमें ये दिया कि आप कंफर्म कर रहे हैं कि आप ये जब आप इसको कंफर्म करेंगे तो ये आपके मोबाइल पे क्या है नोटिफिकेशन भेजेगा ताकि ये कंफर्मेशन हो सके कि ये ऐड आपकी तरफ से ही चलाया गया। तो आपकी ID जो है जिस मोबाइल पे लॉगिन होगी उस पर आपके पास क्या है स्क्रीन पे ये नंबर आएगा, आपने उसको टैप कर देना और आपका ऐड जो है वो रन हो जाएगा। और जब आप मोबाइल से उसको टैप कर देंगे तो आपका जो है ऐड जो है वो क्या है वेरीफाई हो जाएगा और सिंपली फिर ये आपसे अकाउंट अटैच करने का पूछेगा, ठीक है। तो अकाउंट अटैच में आपने क्या करना है, आपके पास जो सर्विस है आपके पास कार्ड है, डेबिट कार्ड है, मास्टर कार्ड है, यूनियन पे है, तो आप क्या कर सकते हैं उससे इस अमाउंट को क्या कर सकते हैं सेंड कर सकते हैं, इस पर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है आप इजीली क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का नंबर डालेंगे और ये आपसे अमाउंट पूछेगा, आप वो अमाउंट डालेंगे तो आपके बैंक से इजीली क्या है गूगल अकाउंट के अंदर क्या है पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे और आपका ऐड जो है वो रन हो जाएगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि आप खुद से ही अपने सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी बगैर किसी को पैसे दिए अपने हिसाब से। अगर आपके पास 4-5 हज़ार रुपये एक साथ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो अच्छी अच्छी वीडियो है जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है उस पर आप ऐड रन कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके 1000-500 रुपये करके आप ऐड इजीली रन कर सकते हैं। अच्छा इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ लास्ट में कि जो आपके इससे वॉच टाइम जो गेन होगा वो क्या है वो वॉच टाइम में कंप्लीट नहीं होता यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से। जो आप पेड प्रमोशन चलाते हैं उसका टाइम जो है आपके अर्न सेक्शन में अपडेट नहीं होगा, वैसे तो आपके नॉर्मल में अपडेट हो जाएगा लेकिन अर्न सेक्शन में अपडेट नहीं होगा। लेकिन ये करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि एक बंदा जो आपकी वीडियो देख के आपके चैनल पर आया है और उसने आपको सब्सक्राइब करा है तो 100% प्रोबेबिलिटी ये है कि वो आपकी और वीडियोज़ को भी देखेगा क्योंकि वो ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर है, वो फेक सब्सक्राइबर नहीं है जिस तरह से लोग मार्केट में फेक सब्सक्राइबर करके देते हैं, ठीक है। तो इससे आपका वॉच टाइम क्या है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि मेरे
मेरे एक साथी ने इसी तरह करा है बिल्कुल, उसने हजार हजार रुपए लगा के इन्वेस्टमेंट करी है और उसका 4 से 4,500 में उसका 4,000 घंटे का वॉच टाइम ऑर्गेनिक तरीके से और सब्सक्राइबर भी ऑर्गेनिक आया, क्योंकि अब वो नई वीडियो जो डाल रहा है तो वो जो उसके सब्सक्राइबर गेन हुए वो इस वीडियो को भी वॉच कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है जिससे आप अपना वॉच टाइम और सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं ऑथेंटिक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। इस हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।